कल शाम से अभी तक कोविड 19 के कारण जम्मू में 13 मौतें हुई हैं, जिसमें से 12 लोग जो हैं वो जीएमसी जम्मू में जिनकी मौत हुई कोविड 19 के कारण, और एक व्यक्ति की जान जो है वो सुपर स्पेशलिटी में गई। 4 नई एडमिशन्स हुई हैं जीएमसी जम्मू में, और इसी के साथ साथ एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो नारायणा में एडमिट थे, इनका नाम आरके जीरत था, और इनको कोमॉर्बिडिटीज़ भी थी, और उसी के साथ साथ कोविड 19 की जो इन्फेक्शन है ये उससे नहीं लड़ पाए और इनकी भी मृत्यु होगी नारायणा कटरा में। इसी के साथ अगर मैं कल के जो आंकड़े हैं, मौत के जो आंकड़े हैं उसकी बात करूं, तो जम्मू से 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें से 17 लोग जो हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से जिनकी मौत हुई। रजौरी और सांबा से 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई, किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ से 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई, और डोडा से 1 व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई। जिन लोगों ने कल अपनी जान गंवाई है उसमें से एक केएस ऑफिसर की माता थी जो आरएसपुरा की रहने वाली थी, और इनकी ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जम्मू में एडमिट थी, और कल रात ही इनकी जो मृत्यु है वो कोविड 19 के कारण, परसों रात इनकी मृत्यु कोविड 19 के कारण हो गई। उसके अलावा एक 45 वर्षीय एक पुरुष थे जो पक्काडंगा के रहने वाले थे, एक 35 वर्षीय पुरुष थे, एक 43 ईयर ओल्ड वुमेन थी जो दुमाना की रहने वाली थी, इन लोगों की मृत्यु भी कोविड 19 के कारण कल जम्मू में हुई। एक 33 वर्षीय पुरुष थे जो बंदराल रामगढ़ के रहने वाले थे सांबा डिस्ट्रिक्ट के, इनकी मृत्यु जो है वो मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर होम गांधीनगर में हुई। उसके अलावा जो है बनी में कल जो कठुआ की तहसील है इसमें दो लोगों की जो डेथ है वो रिपोर्ट करी गई है। ये दोनों लोगों की मौत जो है वो घर पे हुई, उसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया, कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनकी बॉडी को रैप किया गया, उसके बाद फैमिली को लास्ट राइट्स करने के लिए हैंडओवर किया गया। इसके अलावा जो है कोविड जम्मू जिनकी कोविड के कारण जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मौत हुई वो लोग रूपनगर से थे, पलोड़ा से थे, जानेपुर से थे, गंग्याल सेक्टर 4 त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन 3, रेशमगढ़, बंतलाब, लोअर गाड़ीगढ़, सिधड़ा, फ्लाई मंडाल, डिगियाना, आरएसपुरा, भवानी नगर, तालाब तिलो और जोड़ियां हैं। इनके अलावा जो फैटेलिटीज़ बाकी एरियाज़ में हुई हैं, डोडा में जैसे 70 वर्षीय एक पुरुष थे जिनकी मृत्यु हो गई, उसके अलावा पोही, कुंतवारा, कोटेधार, जवाहर नगर, कालाकोट, रजौरी में, लोअर टांडा, सरतर, मजालता, उधमपुर में, कोटली, रामगढ़, बंदराल, रामगढ़, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, इन लोगों की जो मृत्यु है वो कोविड 19 के कारण हुई। इसी के अलावा अगर मैं रिकवरीज़ की बात करूं तो कल जम्मू में अगर पॉजिटिव केसेस की बात करूं तो 794 पॉजिटिव केसेस हैं, जिसके साथ साथ एक्टिव केसेस अगर टोटल देखे जाएँ जम्मू डिवीज़न में तो 15,008 इस समय एक्टिव केसेस हैं, और उसके अलावा जो है जो केसेस हैं वो 343 कल जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आए, 70 केसेस पुंछ में आए, 66 केसेस रामबन में आए, 60 केसेस रजौरी में आए, और 60 केसेस ही उधमपुर में आए, 54 केसेस डोडा में आए, 47 केसेस कठुआ में आए, 39 केसेस रियासी में आए, 32 केसेस किश्तवाड़ में आए, और 23 केसेस जो हैं वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में आए। और रिकवरीज़ की अगर बात करूं तो 703 रिकवरीज जो हैं वो जम्मू से हुई हैं, 375 जो हैं वो सांबा से हुई हैं, 331 लोगों ने रजौरी से रिकवर किया है, 121 लोगों ने कठुआ से रिकवर किया है, 85 लोगों ने उधमपुर से रिकवर किया है, 80 लोगों ने डोडा से रिकवर किया है, 79 लोग जो हैं वो किश्तवाड़ में रिकवर हुए, 54 लोगों ने रामबन से रिकवर किया है, 51 लोग रियासी के रिकवर हुए, और 19 लोगों ने किश्तवाड़ से रिकवर किया है। इस समय जो कैजुअल्टीज़ हैं जम्मू रीजन की बात करें तो टोटल कैजुअल्टीज़ 1,868 हैं, और अच्छी बात यह है कि केसेस जो हैं वो कम हो गए हैं। देखा यह जा रहा है कि जम्मू में भी और कश्मीर में भी केस लोड जो है वो कम आ रहा है, पॉजिटिविटी रेट कम हो गया है कहीं ना कहीं, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा है, कैजुअल्टीज़ जो हैं वो उतनी ही हैं, नंबर उतना ही आ रहा है, कहीं एक दो नंबर जो है वो कम हो रहा है। कल जम्मू में 30 लोगों की जान गई और कश्मीर में 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लोगों से यही गुजारिश है कि वो इस जो अभी केसेस कम हो रहे हैं, डेफिनेटली इसका जो श्रेय है वो लोगों को भी जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया है, उन्होंने बाज़ारों में जाना कम किया है और आपस में मिलना जुलना कम किया है, कहीं ना कहीं इसी के कारण केस लोड जो है वो भी कम हुआ है। लेकिन
फैसिलिटीज़ जो नहीं है हमारे पास या कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है उसके कारण हो सकता है कि ये जो फैटलिटीज़ हैं उसी के रीज़न यही है। तो लोगों से गुजारिश यही कि SOPs को फॉलो करिए, बाहर जाना जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए, मास्क प्रॉपरली पहनिए और अपने स्लॉट पे जब भी आपका समय आता है, जब भी टाइम मिलता है, जब भी रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीटली हो जाती है तभी वैक्सीन लगवाने जाइए और मास्क प्रॉपरली पहनिए।